नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जो आपको आज भी और आगे जाके बेहतर मुनाफा देती नजर आ सकती हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, हर तरीके से जानेंगे कि कृषि फसलों में आगे कितनी तेजी मंदी बनती दिखाई देगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसे सीड से। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड का दिसंबर वायदा इस समय 6432 पर कारोबार करता नजर आ रहा है और 6500 का ही लगा चुका है, 1% की करेक्शन है। बीते कारोबारी सत्र में हमने कैसे सीड की कीमतों में 6500 के ऊपर कारोबार होते हुए देखा था, काफी अच्छी कीमतें बनती नजर आई थी कैसे सीड का वायदा बाजार के अंदर। काफी समय के बाद हमने कंसोलिडेशन मोड से एक अच्छा मोड आते हुए देखा था, हाई स्पीड मोड आता देखा था कीमतों के अंदर कैसे सीड की कल के कारोबारी सत्र में। लेकिन आज शाम के कारोबारी सत्र में देख रहे हैं कि अब कैसे सीड का वायदा बाजार एक बार फिर से 6400 के घरों में कारोबार करता नजर आ रहा है। कैसे सीड की कीमतों में एक बार फिर से कंसोलिडेशन वाला मोड बनता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या जो कैसे सीड के जो फंडामेंटल्स हैं क्या वो धीरे धीरे वीक होते नजर आ रहे हैं, क्या कैसर में आगे जाके निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल सकती है या नहीं। तो कैसे सीड पर और अच्छे से जानने के लिए कि कैसर में कीमतें आगे क्या रहेंगी, लो लेवल बाइंग निकलेगी या फिर करेक्शन और ज्यादा बढ़ेगी गहराएगी, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। अमित जी, देख रहे हैं दिसंबर वायदा कैसे सीड का एक बार फिर से 6400 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। हमने कल के कारोबारी सत्र में कैसर को 6500 के ऊपर भी ट्रेड करते देखा है, आज देख रहे हैं वहां से अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से करेक्शन बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है यहां से करेक्शन और ज्यादा नीचे जाएगी या फिर यहां से लो लेवल बाइंग निकल सकती है या फिर कंसोलिडेशन वाला माहौल बनेगा एक बार फिर से? काफी कंसोलिडेशन देखा गया है तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन फेज कुछ और समय चलेगा जी। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म बेसिस दोबारा हमें हो सकता है कि 6300 से 6200 तक के भाव देखने मिले, जिसके बाद दोबारा तेजी लौट सकती है। तो फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म में बिक वाले की सलाह देना चाहूंगा 6460 के करीब, और डाउनसाइड में मुझे लगता है कि 6280 तक के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन दोबारा वहां से जो निवेशक है वो तेजी कर सकते हैं जी। अमित जी, जैसा आपने भी बताया कि बिकवाली की सलाह रहेगी 6200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो क्या अगर उन लेवल्स पर लो लेवल बाइंग आती है तो क्या तब 6500 के ऊपर कीमतें देखने को मिल पाएंगी या फिर तब भी इन्हीं यही लेवल्स देखने को मिलेंगे? नहीं, 6500 तो बहुत ही नजदीकी लेवल हो जाएगा जो देखने मिलेगा। अगर 6300 के नीचे से बाइंग आती है तो हमें हो सकता है कि लगभग 6600 तक के दाम भी देखने मिलते हैं। तो शॉर्ट टर्म में बिक वाली जरूर हावी होगी, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल 6200 से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएंगी और दोबारा 6700 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं जी। तो यानी कि अभी कैसर में अमित सजा जी के मुताबिक सेल करके चला जा सकता है, कीमतों में अभी जो करेक्शन है और ज्यादा गहरा सकती है, लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। कैसर में लो लेवल बाइंग एक बार फिर से इनिशिएट होती भी नजर आ सकती है जो कि ऊपर में 6600 तक जा सकती है। ये सब मित्र जी देख रहे, बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2626 पर कारोबार करता नजर आ रहा है 0.5% की तेजी के साथ। अमित जी, हम देख रहे हैं कि काफी समय के बाद बिनौला खल ने 2600 का लेवल एक बार फिर से दिखाया है, आपको क्या लगता है क्या यहां से बिनौला खल में 2600 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल पाएगी डेली बेसिस के ऊपर या फिर से 2500 के लेवल वाले कंसोलिडेशन का मोड बनता नजर आएगा? जी, लगभग एक महीने के बाद मैं कहूंगा या ये कहूंगी 2600 के ऊपर के लेवल देखने मिले हैं, लेकिन 2700 का जो स्तर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2700 के ऊपर जिस दिन प्राइसेस सस्टेन होने लगी तो ऐसा लगता है कि रेंज शिफ्ट हो जाएगी, वरना अगर इस बार भी 2700 निकालने में कामयाब नहीं हुआ तो हम हो सकता है कि 2450 से 2700 के बीच कंसोलिडेशन करते हुए देखें प्राइसेस को। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट तौर पर अगर 2700 नहीं निकलता तो एक बार दोबारा लोअर एंड ऑफ द रेंज यानी 2450 से 2470 के रेंज में हमें प्राइसेस देखने मिल सकते हैं जी। अमित जी, क्या लगता है क्या 2021 के एंड होते होते बिनौला खल 2700 या 2800 के लेवल दिखाने में कामयाब हो पाएगा?
फिलहाल जो करंट रैली है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी कमी रह जाएगी 2600 की रैली के बाद हम दोबारा करेक्शन देखें, लेकिन दिसंबर एंड होते होते मुझे लगता है कि एक बार हम 2820 से 2830 तक के लेवल देख पाएंगे, तो ये सिक्स पॉसिबल जी। ये समय जी बात करें अगर धनिए की, तो धनिए में हमने सुबह में 9100 के भी ऊपर ट्रेड होते देखा था, हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि हल्की सी करेक्शन है, बहुत ही मामूली सी करेक्शन है। आपको यहां से क्या लगता है, क्या धनिए में करेक्शन जैसे शाम में देखने को मिली है कल के ओपनिंग होते होते कम्युनिटी बाजार के, क्या ये करेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर धनिया 9000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आएगा, 9000 के ऊपर खुलता नजर आएगा? जी देखिए, ओवरऑल तो काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 9000 के ऊपर दोबारा ट्रेड करता हुआ दिखे, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है अगर हम एक से दो दिन का व्यू लें तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है थोड़ी और गहरा सकती है, जहां पर दाम जो है 8350 8700 तक भी आ सकते हैं, हालांकि वो एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। और अपसाइड में 2 से 3 हफ्तों का अगर व्यू लें तो 9400 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। शॉर्ट टर्म बिकवाली रहेगी, लेकिन ओवरऑल पोजिशनली जो व्यू है वो बाय की तरफ जी। तो यानी कि अभी धनिए में जो लेवल्स हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और ऊपर में 9400 तक के भी लेवल्स धनिए की कीमतों में देखने को मिल सकती हैं, तो बाई करके आगे 2 से 3 हफ्तों में अमित सरजा के मुताबिक धनिए की कीमतों में 9400 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए धनिए में थोड़ी बिकवाली का माहौल भी बनता नजर आ सकता है। यहीं समय जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में भी हमने कल को 8000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखा था दिसंबर वायदा में, आज देख रहे हैं कि 7600 के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है, 2.5% की करेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्या हल्दी में आगे भी 8000 के ऊपर लेवल्स देखने को मिल पाएंगे या फिर वो बस एक लो लेवल बाइंग बन के रह गई थी? जी मुझे लगता है कि ओवरऑल जो रुझान है वो दायरे में है और फिलहाल जो लेवल हमने पिछले हफ्ते बात किए थे वो जरूर उसने टेस्ट कर लिए, 8100 के ऊपर भी देखने मिले थे, लेकिन बहुत ही सस्टेन तेजी दिखाई नहीं दे रही है एज ऑफ नाउ, तो एक दायरे का बाजार है। मुझे लगता है कि दोबारा दायरे के लोअर एंड पे यानी 7400 से 7350 तक प्राइस जा सकती है, हालांकि उन स्तरों से दोबारा बाइंग जो है उभर के आएगी, लेकिन यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म अब इक्वाली का माहौल हावी रहेगा ऐसा मेरा मानना है जी। अमित जी जैसा आपने अभी बताया कि 7400 7300 तक हल्दी नीचे में जा सकती है, अगर उन लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट होती है तो अपर में लेवल्स क्या देखने को मिल पाएंगे? जी देखिए, दोबारा पोजिशनल तौर पर 7800 और उसके बाद में 8100 ये दो इंपॉर्टेंट स्तर होंगे जो हम देख पाएंगे, तो 7300 से 7400 के बीच इस पर बाइंग इनिशिएट की जाए जी। ये समय जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में भी देख रहे हैं कि जो लेवल्स हैं अच्छे खासे हैं, लेकिन 16300 से 16700 16750 तक का एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये ब्रेकआउट लेवल कब तक देखने को मिल पाएगा, जो 16600 के ऊपर का देखने को मिलेगा और 17000 का लेवल टच होने में कामयाब हो पाएगा जीरा? जी देखिए, 16600 के स्तर तो हमने लगभग 2 साल हो गए हैं देखे नहीं है निकलते हुए, क्योंकि दिसंबर 2019 में लास्ट देखा था 16600 के ऊपर गिरा, तो मुझे लगता है कुछ समय और लगेगा प्राइसेस को निकलने, क्योंकि मसाला कॉम्प्लेक्स में फिलहाल जो रुझान है वो नीचे की तरफ है, चाहे वो धनिया या हल्दी या जीरा हो, तो शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 16000 के करीब या हो सकता है उसके थोड़ा नीचे साथ जा सके, लेकिन जिस दिन या जिस हफ्ते 16600 के ऊपर प्राइसेस निकल जाएंगे तो उस हफ्ते मैं समझ सकता हूँ कि 18000 तक के लिए भी दाम जो है वो कहना पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि काफी जल्द ये देखने मिलेगा, हो सकता है कि 2 से 3 हफ्ते लग जाए, एक डिप देने के बाद मुझे लगता है दोबारा एक बार अटेम्प्ट होगा 16600 में जी। ये समय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने ग्वार गम और ग्वार सीड में 5-5, 6-6% के ऊपरी सर्किट भी लगते देखे हैं, निचले सर्किट भी लगते देखे हैं, अब देख रहे हैं कि काफी समय से लगभग एक हफ्ते से ऊपर की बात की जाए तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में लगातार गिरावट गहराती जा रही है। इनफैक्ट आज देख रहे हैं ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4% की लोअर सर्किट है, और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 6000 के घरों में है 2% का लोअर सर्किट के साथ। आपको क्या लगता है क्या यहाँ से करेक्शन अभी और ज़्यादा गहराएगी ग्वार के अंदर, और ग्वार में क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगी इस समय? जी देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल जो बाजार है वो करेक्शन की ग्रिप में है,
तो डेफिनेटली क्योंकि जो मेरे भी व्यू थे तेजी के वो 6500 के ऊपर के ही थे, लेकिन उसके बाद वो मेरा जो शॉर्ट टर्म व्यू है वायलेट हो चुका है, यानी मैं फिलहाल चला नहीं दूंगा तेजी करने की। मुझे लगता है कि जहां से तेजी शुरू हुई थी 5700 से पॉसिबली प्राइजेस उसके आसपास ही आ जाएंगे, तो फिलहाल बिटकॉइन की सलाह होगी इमीडिएट तौर पर 5550 का लक्ष्य होगा, उसके बाद 5750 का, उसके बाद हो सकता है कि दोबारा हमें तेजी देखने मिले, लेकिन फिलहाल कम से कम 2 हफ्तों के लिए मुझे लगता है गिरावट का दौर ग्वार फीड में जारी रहेगा। सिमिलरली ग्वार गम में 11600 से 11700 के जो स्तर सपोर्ट के थे वो काफी हद तक होल्ड कर रहा था बाजार, और 2-3 बार उछाल भी देखने मिला, लेकिन उसके ब्रेक होने के बाद जो मेरा एक इमीडिएट बाय ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया है, क्योंकि हर व्यू की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी, प्राइसेस 10,200 से 10,250 तक के स्तर में हो सकता है ग्वार गम में आने वाले 1 से 2 हफ्तों में देखना मिल सकता है। जी अमित जी, हमने देखा है कि ग्वार का जो प्रोडक्शन है पिछले साल के मुकाबले काफी कम बताया जा रहा है, और फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक ही हैं, एक्सपोर्ट डिमांड भी है और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, तो फिर फ्यूचर मार्केट में ये ग्वार में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है अचानक से? जी देखिए, जो प्रोडक्शन के आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं हमने सितंबर अक्टूबर में ही डिस्काउंट होते हुए देखे थे, और उस समय काफी बढ़िया तेजी दिखाई दे रही थी और बाजार ने उसको जस्टिफाई भी किया, क्योंकि 9400 से लेकर 14000 तक की नॉनस्टॉप रैली हमने पिछले 3 महीनों में देखी है। तो ये पॉसिबल है कि ये फिलहाल एक करेक्शन मूव है और ये करेक्शन और जारी रहेगा, लेकिन हाँ ये टोटली नेगेटिव हो जाए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने बताया कि 5700 बार फील्ड में इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से 9300-9400 के स्तर जो है वो ग्वार गम में इंपॉर्टेंट है, हालांकि इमीडिएट सपोर्ट 10200 का ही है, लेकिन जब तक ये स्तर होल्ड कर रहा है या प्राइस होल्ड कर रही है तब तक मंदी का रूप नहीं होगा। करेक्शन आने के बाद दोबारा हमें हो सकता है कि फरवरी या मार्च में तेजी का रुझान देखने को मिल जाए। जी यही सब मैं जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने सोयाबीन में काफी शानदार रैली बनते देखी है, आपके भी टारगेट्स हिट होते हुए नजर आए हैं सारे के सारे सोयाबीन के, जितने भी आपने हमें दिए थे मार्केट टाइम्स टीवी पर। आज देख रहे हैं कि 6618 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, 0.1% की तेजी है। अमित जी, हमने सोयाबीन को रिसेंटली 6700 के भी ऊपर जाते हुए देखा है, आपको क्या लग रहा है, क्या स्पेकुलेशन ज्यादा बढ़ गई है सोयाबीन के अंदर इसलिए तेजी आ रही है, या फिर फंडामेंटल्स इतने मजबूत हो गए हैं एक अचानक से एकदम से कि सोयाबीन में अच्छी रैली निकल के सामने आ रही है? जी फिलहाल तो मैं फंडामेंटल ड्रिवन ही कहूंगा, क्योंकि काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद जहां पर दाम 10,800 से गिरकर 5,100 तक भी पहुंच गए थे, यानी लगभग 50% की गिरावट आई थी, उसके बाद 2 महीने कंसोलिडेशन के बाद हमने प्राइस को ऊपर निकल देखा है, तो मैं इसे स्पेकुलेशन पे नाम नहीं दूंगा। हालांकि स्पेकुलेशन जो है वो मार्केट का हिस्सा है, और जब भी ट्रेंड आता है तो बाजार सीक्वेंस जरूर करता है उसके पीछे। मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड है जारी रहेगा, और पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है कि 7300 से 7400 तक के स्तर भी देखने मिलेंगे आने वाले 2 से 3 हफ्तों में। तो ऐसा लगता है कि एक नई तेजी की शुरुआत हुई है, जब से 5700 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो काफी महीनों से नहीं निकाला था, जब से वो निकला है, और अभी 5700 का ही एक पोजिशनल सपोर्ट है, यानी 6100-6200 अगर आ भी जाता है तो हमें ये पता है कि जस्ट रिवॉर्ड अच्छा होगा। अगर 7400 के लिए बाय करें तो 1200 रुपए का टारगेट हमें 500 रुपए के स्टॉक के साथ मिल सकता है, यानी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो कोई भी डिप आती है तो उस पर डेफिनेटली बाइंग की सलाह होगी। शॉर्ट टर्म बेसिस अगर 6650 के ऊपर सस्टेन होने में और क्लोज होने में कामयाब होता है तो ये पॉसिबल है कि हमें इमीडिएट तौर पर 7050 तक के स्तर देखने मिलेंगे, और पोजिशनली 7400 के स्तर देखने मिलेंगे। जी तो यानी कि सोयाबीन की कीमतों में जो रैली है वो आगे भी जारी रह सकती है, अभी और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। अगर सोयाबीन में निचले स्तर भी देखने को मिले तो वहाँ पे घबराए नहीं, निचले स्तर पर भी बाइंग इनिशिएट करके, यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ के सोयाबीन में दाव लगाया जा सकता है। ये समय जी बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन में आपकी क्या सलाह रहेगी, आगे जाके क्या लेवल्स होंगे और कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? जी देखिए, मेरे हिसाब से काफी डिसेंट करेक्शन के बाद जहाँ प्राइसेस 34,000 से लगभग 31,000 तक पहुंच गई है, एक बाउंस बैक जरूर देखने मिला है। मुझे लगता है कि ये दोबारा तेजी की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल सपोर्टिव है। शॉर्ट टर्म बेसिस 32,700 से 32,800 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और इमीडिएट तौर पर 31,300 का थोड़ा एक बड़ा मजबूत सपोर्ट है जो हो सकता है कि बाजार में और
और ऊंचाइयां देखने जी। अमित जी आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे जो पूरे वीक अच्छा मुनाफा देते हुए नजर आ सकते हैं? मेरे हिसाब से जो मसाला कॉम्प्लेक्स है उसको फिलहाल निकवाली आवी हो सकती है, तो मैं धनिया में और हल्दी में निकवाली की सलाह देना चाहूंगा। और साथ ही मेरे हिसाब से जो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है उसमें सोयाबीन में अगर 650 के ऊपर डेली क्लोज देने में कामयाब हो जाए तो बाइंग की जा सकती है, या फिर 6,300 से 6,250 के बीच पोजिशनली बाइंग करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कालवाई सत्र में कौन सी कृषि फसल वायदा बाजार में किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी कि आगे जाके किस कृषि फसल में मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है, टॉपिक्स क्या रहेंगे और किस में खरीदारी किस में बिकवाली करके चला जा सकता है। तो फिर बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।